स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सरस्वती वंदना। इसमें मैंने भरतनाट्यम करा था, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पोजीशन इस तरीके से लेके, जैसे मैंने किया हो कि हमारे हाथ में फ्लैट्स हो, इस तरीके से रखेंगे। देन 1 2 3 4, फिर हम जिसके आगे वंदन कर रहे हैं सरस्वती माँ, उनके आगे इस तरीके से मैंने फ्लावर्स को अर्पित किया है। इस तरीके से करते हुए हम अपना पोज चेंज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमने फ्लावर्स जो है सरस्वती माँ को अर्पित किए हैं इस तरीके से। फिर हम फ्रंट में अपना फेस कर लेंगे, क्योंकि हमें बाकी का डांस हमें अपने सामने की साइड से दिखाना है, तो हमने इस तरीके से किया है। और फिर इस तरीके से नमस्कार करते हुए ये पोजीशन लेगी, क्लियर। भरतनाट्यम का नमस्कार करेंगे, उसके लिए हम लोग पोज लेते हैं इस तरीके से। देखिए, फर्स्ट फिंगर जो है हमारी ऊपर रहेगी, देन हम दोनों जो लास्ट की मिडिल फिंगर है उसको ज्वाइन करते हुए थंब से हम अपने आगे की साइड लगाएंगे। देन थंब्स को हम शोल्डर पे टैप करते हुए नीचे की साइड लेकर जाएंगे इस तरीके से। फिर फ्लोर को टच करेंगे, देन आइस पे हम लोग इस तरीके से टच करेंगे। फिर अपने बोथ हैंड्स को हम इस तरीके से ओपन करते हुए खड़े हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट पोज में हम लोग आगे इस तरीके से नमस्कार करेंगे, ठीक है। फिर अपने एक लेग को पीछे की साइड ले जाते हुए इस तरीके से हम सरस्वती का पोज बनाएंगे, क्लियर। इसमें मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर है और राइट हैंड नीचे की साइड है, और इस तरीके से हमने पोज बनाया सरस्वती माँ का। फिर इसके बाद मतित्व दे, इस तरीके से कि हमें बुद्धि दें, इसके लिए हम कि विद्या को पढ़ने के लिए हमें बुद्धि दें, इस तरीके का पोज बनाएंगे। फिर विद्या का ज्ञान एवं सार हमें इस तरीके से पोज बना के हम शो करेंगे। 1 2 3 4, ये राइट हैंड को हम इस तरीके से हल्का मूवमेंट देंगे। देन लेफ्ट हैंड को हम इस तरीके से रखेंगे, मतलब कि जो विद्या का ज्ञान है वो पूरे संसार में इस तरीके से प्रदान करें। नेक्स्ट पोज में हम लोग इस तरीके से बुक ओपन कर रहे हैं, ठीक है। देन हम ये वाला पोज लेंगे कि पूरे संसार में इसे इस प्रकाश को फैलाएं, आप ज्ञान के प्रकाश को। देन सभी को बुद्धि का ज्ञान दे, ठीक है। इस तरीके से हम ये पोज लेंगे। वापस से हम नमस्कार करते हुए ही वाला पोज लेंगे और लेग को गतर इस तरीके से करेंगे और एक सर्कल लेंगे। अगेन वापस से हम नमस्कार करते हुए फिर इस तरीके से पोज लेंगे और हल्के हल्के लेग को ब्रिंग करते हुए इस तरीके से चलेंगे। इसके बाद मैंने एक प्रॉप यूज करा है सितार का, ठीक है, वीणा का, जो कि हमारे सरस्वती जी की एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। आप लोग इसको या तो प्रॉप्स के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पोज लेके उस ट्रेनिंग पे इस तरीके का भी कर सकते हैं, क्लियर है। या फिर आप इस तरीके से पोज बना के लेग आपका लेफ्ट जो राइट वाला है वो आगे की साइड जाएगा और जो लेफ्ट वाला लेग है उसे हम फ्लोर पे रखेंगे नीज को। देन लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर की साइड रहेगा और राइट लेग हैंड हमारा नीचे की साइड, और हम ये वाला भी पोज बना सकते हैं। अगर प्रॉप्स अरे आपके पास हो तो आप उसके साथ कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपली भी ये वाला पोज इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे हैंड को क्रॉस में लेके लेग को वापस से इसी पोजीशन पे नीज पे इस तरीके से बैंड करते हुए ये वाला पोज लेंगे। या कुंदे तुषार हार धवला, मतलब हमने हार धवला में मतलब फ्लावर्स को पिक किया है इस तरीके से, देन उसकी माला को बनाया है, फिर सरस्वती जी पे हमने अर्पित किया है इस तरीके से। इसके बाद उन्होंने बोले या श्वेत वस्ता, मतलब आपने
सफेद कलर के श्वेत जो कलर होता है सरस्वती जी का उनको धारण करा है। हम इसको इस तरीके से पोज बना के राइट लेग को पीछे ले जाते हुए और लेफ्ट हैंड लेग को आगे रखेंगे और राइट हैंड से हम जो पहनते हैं साड़ी उसको इस तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है, इस वाले पोज को। ये हमारा लेफ्ट हैंड है, इसको थोड़ा सा इस तरीके के पोज में रखेंगे कप में, देन राइट हैंड से हम इस तरीके से पोज लेंगे और ऐसे देखेंगे, क्लियर। पोज में या वीणा, वापस यही पोज बनाएंगे, या वीणा दंड मंडित करा, हम ये वाला पोज लेंगे, मतलब दोनों हैंड्स को आगे की साइड ले जाएंगे इस तरीके से, हमको फर्स्ट फिंगर को थंब के साथ ज्वाइन करेंगे, देन इस तरीके से हम लोग बेंड करेंगे। नाउ अगेन हम या श्वेत पद मा से ना, इस वाले वर्ड पे इस तरीके से अगेन पोज देंगे। नेक्स्ट वर्ड में या ब्रह्मा, ब्रह्मा इस तरीके से लिखते हैं, हमने इस तरीके से पोज बनाते हैं कथक या भरतनाट्यम में, ठीक है। उसके बाद विष्णु, देन क्या कहते हैं हम महादेव जी के लिए, विष्णु महादेव के लिए हम इस तरीके से देखिए फर्स्ट फिंगर के नीचे थंब को हम इस तरीके से लेके आएंगे, ठीक है, और ये वाला पोज बनाएंगे, ये शंकर जी का पोज होता है, क्लियर। और यही हम सरस्वती जी का पोज दिखाते हैं तो हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये क्लियर। शंकर जी के लिए हम लोग ये पोज इस तरीके से बनाते हैं, उसमें लेफ्ट हैंड आपका इस तरीके से नीचे आता है और लेग जो है इस तरीके से कर लेके इस तरीके से उठता है, और वहीं सरस्वती जी के लिए ये पोज इस तरीके से चेंज हो जाता है। इसके बाद हमारा इस तरीके से पोज लेते हैं हम लोग, और फिर देवही सदा वंदिता में हम आगे की साइड इस तरीके से हैंड्स जोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। जब हम इसको कर्व ले रहे होंगे, इस तरीके से मतलब सर्कल ले रहे होंगे, तो हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे और फिर नीचे बैंड करते हुए अपने टोज पे हम नीचे फ्लोर पे बैठेंगे और फिर नीचे उनको फ्लावर्स अर्पित करेंगे, देन फिर आगे बढ़ते हुए राइट लेग हमारा आगे होगा और लेफ्ट लेग पीछे की साइड जाएगा, इस तरीके से सरस्वती भगवती वाले वर्डिंग पे हम लोग इस तरीके से उन्हें राधे करेंगे, शो करेंगे, इंडिकेट करेंगे इस तरीके से आगे बढ़कर, देन अपने पास इस तरीके से लेके आएंगे हैंड्स को। हम लोग पीछे की साइड भगवती में आगे की साइड बढ़े हैं और फिर पीछे की साइड जाएंगे तो हम दोनों हैंड्स को क्रॉस करते हुए निशेष जड़ पाहा, मतलब यहाँ से लिया है और इस तरीके से पीछे गए हैं वापस एक दो कदम और फिर हैंड को क्रॉस में लेते हुए निशेष जड़ या पाहा इस तरीके से हम लोग शो करेंगे। देन नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम लोग इस तरीके से वापस से वही एक्शन रिपीट करेंगे, क्लियर। लेग को थोड़ा सा अप डाउन करते हुए हम इस तरीके से वर्ड सर्कल ले लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में न्यू सॉन्ग स्टार्ट होता है, उसमें गाना शुरू होता है नीसा रे 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 सरे गा गा गा, तो उसमें हम बोथ हैंड्स को और लेग के साथ, ठीक है, इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 देन 5 6। नाउ अगेन मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ, ये वाला राइट साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 हैंड्स को देखिए वही फर्स्ट फिंगर को हम थंब से ज्वाइन करेंगे, फिर अगेन वही वाला स्टेप करेंगे 1 2 1 2 एंड 3 4 चेंज करेंगे लेफ्ट साइड 1 2 1 2 3 4। अब देखिए राइट साइड गए थे तो जो वन हैंड का लिया है वो हमने लेफ्ट साइड से लिया है, फिर हम लेफ्ट साइड जब गए हैं तो फिर हमने इसको राइट हैंड से उसके अपोजिट साइड में वन हैंड से लिया है, क्लियर। ये वाला एक्शन हम करते हुए ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो फेस है वो एक्शन के साथ ही चलेगा,
वन टू वन टू देन थ्री फोर। उसी तरीके से लेफ्ट साइड में जब हम करेंगे वन टू वन टू थ्री फोर, मतलब फेस भी उसी साइड चलेगा जहां पे हमारे हैंड्स के एक्शन चलेंगे। क्लियर? फिर जय माँ सरस्वती, ठीक है, अगेन जय माँ सरस्वती देहू वरदा, फेस एक्सप्रेशन के साथ और लिप सिंक भी करते हुए जाना है और आगे की साइड ऐसे बढ़ना है। राइट हैंड आगे की साइड रहेगा और लेफ्ट हैंड पीछे की साइड रहेगा, देन वैसे ही राइट लेग जो है हमारा आगे की साइड जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा पीछे की साइड रहेगा और ये वाला पोज होगा। हमने लास्ट इस पोज में जैसे लिया है, फिर उसके बाद फिर दो कदम पीछे की साइड आते हुए जय जय महादेवी, ठीक है। वापस जब हम आगे पहुंचे हैं उसको हम पीछे की साइड जाएंगे वन टू एंड थ्री। नेक्स्ट पोज में हम वन एंड टू जय देवी सरस्वती, फिर एक बार सर्कल लेके राइट लेग को पीछे लेके दे जाते हुए और बोथ हैंड से हम इस तरीके से पोज देंगे वरदा पे, ठीक है। ये मैंने वरदा पे पोज दिया है। अगेन वन टू, फिर इसके बाद एक सर्कल लेते हुए थ्री, ठीक है, वरदा पे। नाउ अगेन इस तरीके से करते हुए हम कि मतलब सभी को वरदान देते हुए हे देवी, ठीक है, इस तरीके से हल्का सा बेंड करेंगे हम अपने। नेक्स्ट पोज में हम लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखते हुए राइट लेग को घुमाएंगे और साथ में हैंड को दे यू वरदा। नेक्स्ट वरदा पे मैंने ये वाला पोज बनाया है। अगेन राइट हैंड को हम अपनी कमर पे रखेंगे इस तरीके से, फिर राइट लेग एंड राइट हैंड को एक साथ मूव करेंगे दे वरदा, ठीक है, जय जय हे सरस्वती। नेक्स्ट में ये एक्शन रिपीट होगा, देन फिर इसके बाद देखिए वन टू राइट हैंड एंड राइट लेग वन टू एंड थ्री, फिर राइट साइड हमारा फेस हो जाएगा और हम इस तरीके से पोज लेंगे और फिर राइट लेग को नीचे की साइड थोड़ा सा बैंड करते हुए और आगे की साइड इस तरीके से बैंड करेंगे। अगेन वन टू, इसे इस तरीके से बहुत इजीली मूवमेंट में लिया है और हम उस टाइम लेफ्ट लेग पे पूरा अपना जोर डालेंगे और राइट लेग को हम इस तरीके से हवा में कर लेंगे से वन टू एंड थ्री। क्लियर? फिर हम लेफ्ट से वही वाला पोज करेंगे, इसमें राइट हैंड को हम तरीके से कमर पे रखेंगे, फिर राइट हैंड से वन टू एंड थ्री, नीज को बिल्कुल इस तरीके से बैंड करा जाएगा पीछे की साइड और आगे वाले लेग को राइट वाले लेग को हम इस तरीके से बैंड करेंगे, फिर ऊपर की साइड हैंड्स को इस तरीके से लेंगे। इसके बाद हम ये वाला पोज जब ले लेंगे तो इसके साथ हम इसको ज्वाइन करेंगे नी सा रे 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 रे। अब देखिए फर्स्ट फिंगर को थंब से ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से, ठीक है, राइट लेग एंड राइट हैंड, देन लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग, ठीक है, इस तरीके से हम आगे की साइड बढ़ेंगे और फिर ये वाला पोज ले लेंगे। इसके बाद इसका अंतर शुरू होता है पैराग्राफ, वो सुनियो सरगम, इस तरीके से हैंड्स को दोनों हैंड्स को आगे की साइड लेके जाएंगे और राइट साइड फेस करेंगे सुनियो सरगम। अब इसमें हमें अपना लेफ्ट लेग जो है अप करना है सुनियो सरगम, फिर उसके बाद ये वाला एक्शन हमें इस तरीके से करना है। इसमें हम इस तरीके से हैंड्स को ऊपर की साइड लेके जाएंगे, लेग हमारा पीछे इस तरीके से अप होगा, फिर तिमरी रचना, मतलब रचना बुक के लिए बोला गया है, ठीक है, रचना, फिर देन इस तरीके से हैंड को आप लेके जाएंगे, फिर चेंज करेंगे लेफ्ट साइड, बिल्कुल सेम वही एक्शन दोनों हैंड्स को, ये पहले हमने इस तरीके से लिया वन टू देन थ्री एंड फोर। नेक्स्ट
सकूं माँ, हम फ्रंट में आ रहे हैं, ठीक है। अगेन, गा न सकूं माँ, इसके लिए हम दोनों हैंड्स को इस तरीके से मूव करते हुए और आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से बोलेंगे तेरी महिमा, ठीक है। फिर दोबारा सेकंड टाइम में आता है तो हम राइट साइड की साइड जाते हैं, गा न सकूं माँ तेरी महिमा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस तरीके से महिमा पे बैठ जाते हैं, इसमें हमारा राइट लेग नीचे की साइड रहेगा और लेफ्ट लेग अप रहेगा और इस तरीके से हम लोग ज्वाइंट करेंगे हैंड्स को, ठीक है। देन आगे की साइड हम ऐसे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस तरीके से हैंड को ज्वाइन करके फिर हल्के हल्के मूव करेंगे, इसमें राइट लेग हमारा नीचे की साइड होगा और लेफ्ट लेग अप होगा, ठीक है। और हैंड्स को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से झुकते हुए, बैलेंस बनाते हुए हम लोग इस तरीके से मूव करेंगे और फिर नीचे इस तरीके से बैंड हो जाएंगे और लेग हमारा जो लेफ्ट वाला है वो ऊपर की साइड हो जाएगा इस तरीके से। ये हैंड्स को इस तरीके से करते हुए आगे पीछे की साइड जाएंगे सरस्वती माँ की साइड, इस तरीके से हम टर्न करेंगे इस तरीके से, फिर वापस से वही दोनों हैंड्स को आगे लेते हुए 1 2, ठीक है, 1 2, और लेग को अप डाउन करेंगे से 1 2 1 2, हल्के हल्के लिटिल मूवमेंट्स रहेंगे हमारे जंप के जो कि टोज पे रहेंगे, 1 2 1 2, फिर उसके बाद हम 1 2 3 4 चेंज, 1 2 3 4। देखिए अगेन मैं इस वाले स्टेप्स को बताऊंगी, 1 2, ठीक है, 1 2, फिर उसके बाद हम आगे की साइड बढ़ेंगे इस तरीके से टोस से 1 2 3 4, और फिंगर्स हमारी इस तरीके से फ्लावर्स बनते हुए जाएंगी, ठीक है। चेंज करेंगे 1 2 3 4, एंड में हम लोग इस तरीके से नमस्कार पे एंड करेंगे।